थाना मक्खनपुर के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम साथी के सातेश्वर महादेव, जिनकी बहुत बड़ी मान्यता है कि यहां से कोई फरियादी खाली हाथ नहीं लौटता। आज सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक किया व बेलपत्र चढ़ाए। हर साल की भांति इस वर्ष भी बड़ी दूर दूर से भक्तों का आना जाना लगा रहा। फिरोजाबाद से संवाददाता स्वराज सिंह की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। चलो 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 ज्यादा बत्ती करो। तलाश ही तो मैं देखो पुजारी जी की तलाश ही दे रहे। मंदिर की क्या महत्ता है? आप महत्ता ये है, ये निकलने वाला है बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि चारों तरफ अपना घूमेंगे सब देख रहे हैं लोग, आपके लिए बहुत अच्छी मनोकामना सारी पूरी होती है। जितनी लोग आओ जाते हैं, बहुत यात्री आते जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी महिमा है। साथ ऐसे बोलते हैं इसको स्वयंभू शिवलिंग है, ये अपने आप प्रकट हुआ, अपने आप प्रकट हुआ जाता है। निकले हुए भोले बाबा हैं, बहुत आते हैं, भीड़ बहुत होती है, मनोकामना पूरी होती है लोगों की, सब जो आते हैं उनकी। कितना प्राचीन मंदिर है और क्या इसकी विशेषता है जिसकी वजह से जनपद फिरोजाबाद में ये एक अपना अलग स्थान रखता है? दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो क्या ऐसी विशेषता है जो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आने को विवश होते हैं? ये मंदिर जो है हजारों साल पुराना मंदिर है और ये मंदिर राजा संतन के जमाने का है। यहाँ भारी से भारी संख्या में सोमवार, हर सोमवार बहुत भारी भीड़ होती है, शिव तेरस को बहुत भारी भीड़ होती है और जो भक्त लोग जो आते हैं भावना लेके, उनकी सभी यहाँ सातेश्वर महादेव सब कामना को पूरी करते हैं। पास में जो है एक सिरसा नदी है, उसमें स्नान करने से सारे शरीरों के दुख दूर हो जाते हैं। भारी से भारी हर सोमवार यहाँ बहुत भीड़ होती है सातेश्वर मंदिर पर। इस शिवलिंग की क्या, जिस तरीके से बताया था स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप प्रकट हुआ था, तो इसकी कुछ ऐसी कोई एक कहानी बताएं जिससे कि मालूम हो जनपद फिरोजाबाद के ही नहीं अपितु पूरे देश में मालूम पड़े कि हाँ इस शिव मंदिर की क्या विशेषता है ऐसी। ये तो प्रतिमा भी करी हुई शिवलिंग है, जो राजा शांतन के जमाने की है वो प्रतिमा भी करी हुई है। जो लोग भावना लेके आते हैं उनकी सभी भावना पूरी होती है। सावन के महीने में किस तरीके से पूजा अर्चना भक्तगण करें जिससे कि वो भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें? हाँ, सहत है, दूध है, दही है, गंगा जल है, बेल की पत्ती है, उससे उनका सही पूजन होता है और सभी कामना।